नमस्कार, एमपी न्यूज कास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशी तिवारी। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारी न्यूज। अखिल भारतीय कबड्डी प्रतियोगिता का हुआ समापन। गुजरात और उत्तर प्रदेश के बीच खेला गया फाइनल मुकाबला। स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर जन जागरण मंच द्वारा दशहरा मैदान में आयोजित अखिल भारतीय कबड्डी प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला गुजरात और उत्तर प्रदेश के बीच खेला गया, जिसमें उत्तर प्रदेश की टीम ने बाजी मारकर प्रथम विजेता का खिताब अपने नाम किया। विजेता टीम को 1,00,001 रुपये का पुरस्कार दिया गया और उपविजेता टीम को 50,001 रुपये का पुरस्कार दिया गया। इसके साथ ही अन्य टीमों के खिलाड़ियों को सांत्वना पुरस्कार भी प्रदान किए गए। संवाददाता शुभम सहारे छिंदवाड़ा। हर निर्णायक बंधु चौहान जी, श्रीमान प्रकाश जी यादव, आप लोगों के कारण ही हमारा टूर्नामेंट सक्सेस होता है। निर्णायक मंडल सानू भाई के नेतृत्व में शानदार निर्णायक मंडलों का सहयोग। परमूलाल जी यादव, सानू लाल जी के लिए एक बार तालियां बजा दो। सानू यादव जी के लिए आपके नेतृत्व में पूरी हमारी यह प्रतियोगिता संपन्न हुई है। हमारे टूर्नामेंट के कन्वेनर वही थे। श्रीमान रविंद्र जी यादव, जन जागरण मंच द्वारा स्वामी विवेकानंद जी जयंती के शुभ अवसर पर आयोजित होने वाली प्रतिवर्ष की अखिल भारतीय कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन का समापन कार्यक्रम आज बड़े ही आनंद उत्साह और गरिमामय वातावरण में हुआ। इस कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि के रूप में पंडित रमेश दुबे, कार्यक्रम के अध्यक्षता के रूप में चौधरी चंद्रभान सिंह, परासिया विधायक तारा चंद जी, नत्थन शाह जी, हमारे उत्तम भाई और सभी हमारे अतिथि यहां पर उपस्थित हुए। और जो टीमें फाइनल खेली है उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से अपना परफॉर्मेंस दिया और इससे हमारे कबड्डी प्रेमी बंधु बड़े खुश होकर यहाँ से गए हैं। मैं पुनः स्वामी विवेकानंद जी की 161वीं जयंती के अवसर पर सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और स्वर्गीय जयचंद जी जैन जी की स्मृति में होने वाली यह प्रतियोगिता, इसका और पूर्ण रूप से और व्यवस्थित ढंग से संचालन होते रहे, क्योंकि वे अनुशासित व्यक्ति थे, कबड्डी के उच्चतम खिलाड़ियों में से एक थे जिन्होंने प्रदेश में और छिंदवाड़े का डंका बजाया था। ऐसे खिलाड़ी को और हमने अपना आधार माना है, निश्चित रूप से हम सब लोगों के लिए वे प्रेरणादायी है। आज हमारा यह 4 दिवसीय कार्यक्रम बड़े ही आनंद और उत्साह से संपन्न हुआ। मैं आप सभी को आपके चैनल के माध्यम से और जिन लोगों के बीच में ये समाचार जाएगा उनको बधाई प्रेषित करता हूं और सभी फोटोग्राफर्स बंधुओं को और चैनल के बंधुओं को मैं उनका भी इस अवसर पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। कहां कहां की टीम आई थी और क्या क्या इनाम जीते? यहां पर जो टीमें आई थी, जिले में 28 टीमों ने खेला और भारतवर्ष की 12 टीमें आई थी, दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश से लेकर नरवाल, पानीपत से लेकर हरियाणा से लेकर महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की टीमों ने यहाँ पर अपना बढ़ चढ़ कर खेल दिखाया है। और साथ ही में हमने अपने ज़िले की भी 4 टीमों को राष्ट्रीय स्तर पर और खिलाने का अवसर दिया है ताकि उनको भी और इस प्रकार का अनुभव प्राप्त हो सके। उसमें हमारी 2 टीमों ने बहुत अच्छा खेल का प्रदर्शन किया, मैं उनका भी इस अवसर पर अभिनंदन करता हूँ।